नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक जस्टिस शाह सुप्रीम कोर्ट के जज ने थर्सडे को अपनी एक बात कही। उनके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार होते हैं, यानी रजिस्ट्री ऑफिस होती है, वहाँ पे केसेस को ऑटोमेटिकली दे डिलीट कर देते हैं। इस बारे में उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एम आर शाह ऑन थर्सडे एक्सप्रेस्ड डिस्प्लीजर एट द प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफ डिलीटिंग मैटर्स पोस्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर डे। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में अभी उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। एड्रेसिंग द कोर्ट मास्टर, जस्टिस शाह कमेंटेड, हु इज ही द रजिस्ट्रार टू डिसाइड? इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, we will decide, they say, ज़्यादा matters है तो delete कर देते हैं, यह नहीं चलेगा, they say, there are excess matters, so we will delete it, that is not how it is works, who is he to decide, it is an excess matter, I am the master. To senior advocate Arvind Datar, who was appearing before the bench, also comprising justice B.V. नागरथन, जस्टिस शाह रिमार्क, दे से एक्सेस मैटर आर देयर, सो डिलीट इट एंड वी डोंट नो व्हेन इट विल कम। टू द कोर्ट मास्टर जस्टिस शाह सेड, टेल हिम द रजिस्ट्रार, हम स्पेसिफिकली बंचिंग करके रखते हैं, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। टेल हिम वी स्पेसिफिकली डू द बंचिंग ऑफ द मैटर्स एंड पोस्ट देम, सो दिस शुड नॉट बी डन। The judge then asked for the registrar to meet the judge at 1:45 p.m. on Thursday. Call him at 1:45, tell him, Sahab bula rahe hain. Tell him, I wish to see him, Justice Shah told the court master. Friends, jaisa ki aapko yaad hoga ki pension updation case MC Singla, jiske last hearing 20 January 22 ko hui thi, and court has ordered IBA टू की 3 महीने के अंदर पेंशन अपडेशन कमेटी का रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, फाइनल अथवा इंटरिम रिपोर्ट। फिर उसके बाद 20/4/22 को डेट हुआ, फिर उसके बाद आपको वो डेट टल के फिर मई में आया, फिर जुलाई में आया, फिर 5 अगस्त को आया और अब 26 अगस्त को आया। ये सुप्रीम कोर्ट के साइट पे ऑटोमेटिक टेंटेबली जनरेटेड डेट होते हैं और इस बात का एहसास कोर्ट के जस्टिस शाह ने किया कि इम्पॉर्टेंट कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो रजिस्ट्रार के ऑटोमेटिक अपने तरफ से लोग डिलीट कर देते हैं, और इस बात को लेकर एडजर्नमेंट शो किया जस्टिस शाह ने। ये फैक्ट है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से डेट का हेयर चेंज होता है। अब इसे आप किसी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट के बारे में मेरा कमेंट करना उचित यहाँ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत सी पार्टियाँ एग्रीव्ड होती हैं। और इस बारे में हमारे एक रिटायर्ड साथी जो डी श्रीनिवास मूर्ति, जो पेंशन अपडेशन के केस के बारे में लगातार कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने इस कमेंट किया, आई हैव रिप्रोड्यूस्ड माई रिसेंट कम्युनिकेशन एड्रेस टू द ऑनरेबल CGI FM ऑर्डर डेटेड 3rd August 2022, हाईलाइटिंग द क्लियरिंग एंड फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट इन आवर पेंडिंग पेंशन रिविजन केस फाइल्ड बाई लेट कॉमरेड MC सिंगला एंड अदर्स इन द सुप्रीम कोर्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द अबव न्यूज आइटम सो एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द जुडिशियल सर्किल्स ऑल ओवर द कंट्री। ऐसे में जो हमारे पार्टी के वकील हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं, उनको चाहिए कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट करें, ताकि जो पेंशन अपडेशन केस MC सिंगला है वो 26/8 के बाद अगला एडजर्नमेंट ना हो, कम से कम उस दिन हियरिंग हो, ताकि IBA अपना पक्ष रख के बता सके कि पेंशन अपडेशन केस में क्या डेवलपमेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।